हेलो नमस्ते, मैं शुभांगी एस जे आर्ट चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बेबी साड़ी बनाएंगे। आज भी हम 5.5 मीटर से दो साड़ी बनाएंगे। एक तो ये बेबी साड़ी और दूसरी बनाएंगे हम नौवारी राजलक्ष्मी साड़ी। बेबी साड़ी के लिए हम कमर से पैर तक की जो भी लंबाई है हमारी वो लेंगे और पूरी साड़ी कट करेंगे। हमारी साड़ी का जो नीचे वाला बॉर्डर होता है उसकी साइड से हमने लेंथ लेकर पूरी साड़ी कट कर दिए। अब हमें साड़ी 4 मीटर चाहिए साड़ी के लिए। बेबी साड़ी के लिए 4 मीटर साड़ी लेंगे हम नाप कर। तो पल्लू की ओर से हमें नापना है और 4 मीटर साड़ी लेनी है। 2 साल की बच्ची की ये साड़ी बना रहे हैं तो 3 या 4 साल तक उसको साड़ी आ जाएगी। हमने ये 4 मीटर साड़ी कट कर ली है। ये साइड के कपड़े से हम ब्लाउज़ बनाएंगे, उसका भी हम वीडियो बना लेंगे। अब हम पल्लू लेंगे। कमर से पैर तक की लंबाई का डबल हमें पल्लू लेना है, यानी 20 + 20 लेकर हमने निशान लगाया है। और एक्स्ट्रा हम लेंगे पल्लू के लिए, हम यहाँ लेंगे 12 इंच और उसके आगे हमने यहाँ कमर का आधा हिस्सा यानी 13 इंच पे निशान किया है। इसी निशान से हम सामने वाली प्लेट्स बनाएंगे। इस निशान से हम सामने वाले प्लेट्स बनाएंगे। तो हम उसके लिए हम अस्तर कट कर लेंगे पहले। अभी ये अस्तर लिया है। लंबाई ली है 20 इंच और एक कमर बेल्ट के लिए हमने ऊपर फैब्रिक लिया है, उसका 4 फोल्ड करके हमने आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है और निशान लगाना है। यहाँ भी हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रख के निशान लगाना है और हम उसे जोड़ देंगे। अब ये पेटीकोट के लिए हमने कमर की ओर से ज़्यादा रखा है, थोड़ा लूज़ रखा है। ये छोटी बच्ची है इसके लिए ज़्यादा हमने टाइट नहीं लिया। ये देखो हमारा पेटीकोट कट हो गया है। हम इसकी सिलाई करेंगे। अभी इसकी सिलाई कैसे करेंगे देखो, दोनों साइड से हम इसको सिलाई करेंगे। अब ही हमने सिलाई कर ली है। हम इसको साड़ी के ऊपर रखेंगे। साड़ी के ऊपर रखकर हम यहाँ इस साइड सिलाई कर देंगे। अब सिलाई कर दी है, इसको हम अस्तर को नीचे की साइड, साड़ी के नीचे की साइड ऐसे लगाएंगे। अभी देखो ये पूरी साड़ी हम अंदर की ओर लेंगे। पूरी साड़ी हमें अंदर की ओर लेना है, पेटीकोट के अंदर लेनी है और दूसरी साइड सिलाई करनी है। ऐसे एक साइड उठाकर हम इस साइड पे रखकर इसकी सिलाई कर देंगे। ये हमारा पेटीकोट सिलाई हो गया। अब पूरी साड़ी हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद ये साड़ी ऐसी दिखेगी देखो। और पेटीकोट के ऊपर हमने राउंड, पूरा राउंड साड़ी लगाई है। अभी यहाँ से शुरुआत की थी, यहाँ तक हमने साड़ी लगाई। हम आगे सेंटर लेंगे, कमर का सेंटर निकालेंगे। ये देखो यहाँ,
और यह इस सेंटर पे हमें प्लेट्स लगानी है आगे वाली। यहाँ से हम प्लेट्स लगाना शुरू करेंगे। यहाँ निशान लगाया है। अभी यहाँ से हम प्लेट बनाएंगे। पल्लू की ओर से हम प्लेट बनाएंगे। हमने यहाँ कमर का आधा हिस्सा लेकर जो निशान किया है, यहाँ से हमें प्लेट्स बनानी है। ये हमने पूरे राउंड साड़ी को सिलाई लगाई है। अब देखो, यहाँ से हमने शुरुआत की थी, वहाँ से हमें 4 इंच से 4 इंच पे हमने ये प्लेट्स रखी है, यानी प्लेट्स के आधे हिस्से में हमें ये निशान आना चाहिए। हमने जो निशान किया था उसके बीचों बीच हमें प्लेट लगानी है बिल्कुल। और एक पल्लू की ओर से हमने जो कमर का आधा लिया था उसे ऐसे सिलाई करेंगे, प्लेट्स से पीछे तक, प्लेट से पीछे तक हमने ये सिलाई किया है पल्लू और पीछे छोड़ दिया। ये सामने हमने प्लेट्स लगाई है और उसके पीछे पल्लू छोड़ा है। यहाँ से हमने सिलाई किया है वो कमर का आधा और यहाँ तक, और यहाँ से हमने पल्लू छोड़ा है। ये हमारी पूरी राउंड साड़ी हो गई है। अब हम प्लेट्स के आगे से ऊपर की कमर बेल्ट लगाएंगे। कमर बेल्ट के लिए हमने बॉर्डर का कपड़ा लिया है, साड़ी की बॉर्डर ली है। दोनों साइड से सिलाई कर दिया। अब हमें उसे सीधे साइड रखा है कमर बेल्ट को, और साड़ी ऊपर से साड़ी रखकर सिलाई कर देनी है पूरे राउंड। हमारा अंदर की साइड कमर बेल्ट सिलाई हो गया है। अब हमारे साड़ी की बॉर्डर ऊपर की साइड आनी चाहिए।
ऐसे हमें ऊपर से सिलाई कर देनी है। हमारी साड़ी की बॉर्डर ऊपर की साइड आ गई है, ऐसा हमने कमर बेल्ट लगाया है, और आप भी ऐसा ही लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, साड़ी का बहुत अच्छा लुक दिखता है। तो हमारी ये आज की बेबी साड़ी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना है, और ऐसे ही नौवारी साड़ी के बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपने ये पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।